चैप्टर बी आर एस का जो ये टॉपिक है मैंडेट कैजो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका इस एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक से बनेंगे। वैसे आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना। मेरा नाम है सागर, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो वाइज क्लास 11 अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 45 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो वाइज आज की इस वीडियो में हम चैप्टर BRS का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अमेंडेड कैश बुक। गाइज आप इसको एडजस्टेड कैश बुक भी बोल सकते हो। तो चलिए गाइज जल्दी से हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिनिश करते हैं और चैप्टर BRS को टाटा भाई बोलते हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूंगी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और वो अकेला एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। तो वैसे अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं करा है तो वैसे उसको आप एक बार जरूर कर लीजिए। अगर आप अपने चैप्टर BRS से अपने एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो तो आपको वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप BRS के क्वेश्चन करके बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं आप इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन करें, कुछ अलग क्वेश्चन करें, तो वैसे आप वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट एक बार जरूर कर सकते हैं। आपको वैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा वो क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो वैसे अब तक क्या होता था, आपको एक क्वेश्चन मिलता था, ठीक है, उसमें कुछ एंट्रीज वगैरह मिलती थी, ठीक है। उन एंट्रीज के बाद आपको क्या बनाना होता था, आपको बनाना होता था BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, BRS क्यों बनाते हैं, पासबुक और कैशबुक। कैशबुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम में गाइस अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइस हम BRS बनाते हैं। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए गाइस ये बात बताना, उन्हें ये बात बताना जरूरी है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन हो गया, ठीक है। समझ गए, अब तक गाइस आपको क्या क्वेश्चन मिलता था, कुछ एंट्रीज मिलती थी, उसके बाद हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे। लेकिन गाइस अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो मिलेगा लेकिन उसमें कुछ आपको ऐसी एंट्रीज मिलेंगी जिन एंट्रीज के गाइस आप हेल्प से क्या बनाओगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, या जिसको गाइस हम अमेंडेड कैश बुक भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या कि आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें एंट्रीज मिलेंगी, कुछ एंट्रीज की हेल्प से हम क्या बनाएंगे BRS, और उन्हीं में से कुछ एंट्रीज की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक। तो वैसे अब यहाँ बात आती है कि कौन सी एंट्री, यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सी एंट्रीज हमारी जो है कैश बुक में जाएंगी, यानी कि अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, और कौन सी एंट्रीज हमारी BRS में जाएंगी। तो चलिए गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एडजस्टेड या अमेंडेड कैश में कौन सी एंट्री जाएंगी और BRS में। तो वैसे हम पहले बात करते हैं अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक की, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आपकी जाती हैं। तो गाइस ये वो एंट्रीज हैं जो आपकी अमेंडेड कैश बुक में जाएंगी। पहली एंट्री की बात करते हैं गाइस, ओवरड्राफ्ट या अंडरकास्ट। अगर आपकी कैश बुक ओवरकास्ट हो रही है या अंडरकास्ट हो रही है कैश बुक, तो वो एंट्री आपकी कहाँ पे जाएगी, अमेंडेड कैश बुक में जाएगी। दूसरी एंट्री है गाइस, आपने इशू कर दिया या आपने डिपॉजिट कर दिया चेक, लेकिन गाइस आप उसको भूल गए कैश बुक में लिखना, तो अब आप उसको लिख दोगे कहाँ पे, अमेंडेड कैश बुक में। तीसरी एंट्री की बात करें, इनकरेक्ट अमाउंट एंटर इन द कैश बुक, कोई आपने जो है गलत अमाउंट कैश बुक में लिख दिया तो उसको आप जो है सही करके लिख दो। एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई जो है गाइस दो बार आपने जो है अमाउंट कैश बुक में लिख दिया तो वैसे आप जो उसको सही करोगे, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे सही करोगे, उसको आप अमेंडेड कैश बुक में सही करोगे। तो वैसे कहने वाली बात यहाँ पे ये है, जो भी एंट्री आपकी कैश बुक से रिलेट करती होगी, ठीक है, जो भी एंट्री गाइस आपकी कैश बुक से रिलेट करती होगी वो आपकी कहाँ पे जाएगी, वो आपकी अमेंडेड कैश बुक में जाएगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं BRS की, यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में कौन सी एंट्रीज आपकी आएंगी। तो वैसे ये तीन एंट्री आपकी BRS में आएंगी, बैंक रिकंसिलेशन में आएंगी। पहले गाइस चेक डिपॉजिट इनटू बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, यानी गाइस आपने जो है चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये एंट्री आपकी BRS में जाएगी। दूसरी है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक, यानी गाइस आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो ये भी आपकी कहाँ पे जाएगी, BRS में। तीसरी और लास्ट है एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक, अगर आपने कोई गलत एंट्री पासबुक में कर दिया है तो अब आप उसको सही करोगे तो कहाँ पे सही करोगे, उसको आप BRS में करोगे। अगर गाइस आपको अब भी कंफ्यूजन हो रहा है कि एक क्वेश्चन में आपको जो एंट्रीज मिलेंगी कौन सी कैश बुक में जाएंगी कौन सी BRS में जाएंगी, तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जिस भी एंट्री में आपको कैश बुक दिखाई दीजिए, ठीक है, जिस भी एंट्री में आपको कैश बुक दिखाई दे वो कहाँ पे जाएगी, अमेंडेड कैश बुक में जाएगी। बाकी बची हुई एंट्रीज कहाँ पे जाएंगी आपकी, बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगी, ठीक है। और गाइस आपको मैं एक बता दूँ, चैप्टर BRS का जो ये टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका गाइस एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक से बनेंगे। तो वैसे आप इस टॉपिक को अच्छे से, चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये अमेंडेड कैश बुक है ये कहाँ से स्टार्ट होगी और ये जो BRS है ये कहाँ से स्टार्ट होगा। बहुत से बच्चे गाइस इसके स्टार्टिंग में भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे अब तक वो BRS बनाते हैं वो वैसे ही बनाएंगे कहाँ पे, अमेंडेड कैश बुक में। लेकिन गाइस आपने ऐसा नहीं करना है, जो भी गाइस आपको बैलेंस मिलेगा आप क्या करोगे, उसको BRS में नहीं डालोगे। मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं अमेंडेड कैश बुक में, वो बैलेंस कहाँ पे डाल देते हैं, BRS में, लेकिन ऐसा नहीं करोगे। जो भी गाइस आपको क्वेश्चन में बैलेंस मिलेगा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वो गाइस आपका अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको बैलेंस का पॉइंट, आपको बता देता हूँ मैं। देखो गाइस
जो भी आपको बैलेंस मिलेगा क्वेश्चन में, जो भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। उसके बाद गाइस अमेंडेड कैश बुक में आपका ना बैलेंस सीडी आएगा, ठीक है। ये बैलेंस सीडी कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस सीडी गाइस आपका बीआरएस में जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं गाइस, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने गाइस आपको बता दी है अमेंडेड कैश बुक में। अब भाई जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का, ठीक है। अगर आपको इन थ्योरी में अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट रह गया है तो भाई क्वेश्चन के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ। तो गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और जिन भी बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। 31 मार्च 2015 को जो है आपको बैलेंस दे रखा है मिस्टर संजीव का कितना 8300। उसके बाद जो है गाइस कैश बुक को और बैंक की स्टेटमेंट को एग्जामिन कराया है, उसके बाद कुछ एंट्रीज वहां से निकल के आई है, ये गलत एंट्रीज है या की जो है बैंक रिकंसिलेशन में जाएगी, लेकिन क्वेश्चन अभी पहले पूरा पढ़ लो। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि गाइस आपको जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन अमेंडेड कैश बुक के साथ जो है गाइस आपको बीआरएस बनाना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले क्या बनेगी इसमें, सबसे पहले जो है गाइस अमेंडेड कैश बुक बनेगी, उसके बाद जो है इसका बैलेंस सीडी आएगा वो उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, उसकी हेल्प से गाइस आप बीआरएस बनाओगे। तो चलिएगा जल्दी से पहले मैं अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट बना लेता हूँ, बीआरएस का फॉर्मेट बना लेता हूँ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, उसके बाद गाइस हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हो कैश बुक का फॉर्मेट नहीं बताया, देखो गाइस कैश बुक का फॉर्मेट इसमें कोई अलग नहीं है, जब गाइस मैंने आपको चैप्टर कैश बुक कराया था उसमें जो भी मैं जो आपको मैंने फॉर्मेट कराया था वही फॉर्मेट यहाँ पे रहने वाला है, ज्यादा कोई चेंजेस इसमें नहीं है। तो चलिए गाइस फॉर्मेट बना लेता हूँ और क्वेश्चन को फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए गाइस हमने जो है कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया, क्या कह रहे हो कैश बुक में दो कॉलम आते हैं कौन कौन से, एक कैश का और एक बैंक का। तो इसमें मैंने एक क्यों बनाया, देखो गाइस मैंने आपको पहले बताया है कि जो गाइस देखो कैश बुक होती है ना, कैश बुक का जो बैंक का कॉलम होगा उसी को गाइस हम मैच करते हैं किसको, किसके साथ, पासबुक के साथ। तो जो कैश का कॉलम होगा उसकी तो यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम बनाया। तो चलो गाइस मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन सा कॉलम है, ये आपका बैंक का कॉलम है, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको दे रखा है 8300 रुपये, ठीक है, मिस्टर संजीव के जो है कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो कहाँ पे जाएगा, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा ना कि बीआरएस में। तो इसलिए मैंने अभी बीआरएस का फॉर्मेट नहीं बनाया, सिर्फ मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बनाया, क्योंकि गाइस जो इसका बैलेंस शीट है उसी के हिसाब से हम बीआरएस बनाएंगे। तो इसलिए हम पहले इसका बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, उसके बाद बीआरएस का फॉर्मेट और उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसमें जो है गाइस आपको 8300 रुपये दे रखे हैं, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। तो मुझे बताओ ये डेबिट की साइड आएगा या आपका क्रेडिट की साइड आएगा, बताओ। बहुत से बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं आज वो कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ बीआरएस में। देखो गाइस डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि गाइस अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं या गाइस आप एसेट रिसीव करते हो तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट। तो कैश बुक में, तो गाइस कैश बुक में जो भी आपको कोई पैसा मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट करोगे इसका मतलब क्या है कि आपका बैलेंस जो है बढ़ेगा। लेकिन गाइस कई बार जो है आपको कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ आपको बोल देता है कैश बुक का बैलेंस आपको ये दे रखा है। तो हम उसको क्या मानते हैं, वो क्या कौन सा बैलेंस है, वो सिर्फ पॉजिटिव का बैलेंस है, तो हम उसको पॉजिटिव का बैलेंस मान के चलते हैं। तो जहां भी आपको डेबिट बैलेंस मिल जाए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब यह है आपके कैश बुक में बहुत सारा धन रखा है, बहुत सारी धनराशि रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसको गाइस आप जो है और एक और भी नाम दे सकते हो, इसको गाइस आप फेवरेबल बैलेंस भी गाइस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव तो हो गया। उसके बाद गाइस एक आता है आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे बीच में बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका क्या होगा, इसका अपोजिट, यहाँ पे डेबिट कैश बुक प्लस हो रही थी, यहाँ पे क्रेडिट कैश बुक क्या हो जाएगी माइनस। फेवरेबल का क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस। और गाइस इसको हम जो है अनफेवरेबल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, हम इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और इन दोनों का अपोजिट कहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का अपोजिट आपका पासबुक में हो जाएगा, यानी कि डेबिट पासबुक और क्रेडिट पासबुक। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस क्या था, अनफेवरेबल, आप इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हो या आप इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हो। और इसको क्या बोलोगे आप, इसको कैसे आप फेवरेबल बैलेंस बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैश बुक का आपको बैलेंस दे रखा है कौन सा दे रखा है आपको, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो गाइस ये आपका किस साइड जाएगा, ये गाइस आपका इस साइड आएगा, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रोडन के नाम से, आप इसको लिख दोगे 8300 रुपये। तो गाइस बहुत से बच्चे जो है इनमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, जो करना होता है प्लस उसको कर जाते हैं माइनस, और जिसको माइनस करना होता है उसको कर जाते हैं प्लस, यानी कि बीआरएस को पूरे क्वेश्चन को सही कर जाते हैं लेकिन इन बैलेंस में गड़बड़ी कर जाते हैं, जिसकी वजह से भाई उनके फुल मार्क्स आने से वंचित हुआ रहते हैं, ठीक है, उनके मार्क्स में कम आते हैं, दो तीन नंबर उनके कम रह जाते हैं इस बैलेंस की वजह से। तो गाइस ये बात आप ध्यान रख लो, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। तो गाइस आप फ्यूचर में जो है और बच्चों की तरह आप मिस्टेक ना करें। आपको सिर्फ करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको एक एंट्री समझना है, कौन सी वाली, सिर्फ पहली वाली। पहली वाली क्या है कि
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है कि मेरी कैश में बहुत सारा धन रखा है, मेरी कैश में बहुत सारा पैसा रखा है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं प्लस करूंगा। इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा और इन दोनों का अपोजिट पासबुक में हो जाएगा, है ना सर। सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल, इसका अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, इन दोनों का अपोजिट यहाँ पे। उसके बाद आपके लिए एक जादू है, जादू दिखा दो। लो ये रहा जादू, क्या कि मैंने BRS का भी फॉर्मेट बना दिया, छोटा सा था तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बना देता हूँ। तो वैसे कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक ही तो बना रहे हैं, तो कैश बुक से स्टार्ट होगा। लेकिन ये डेबिट से होगा या क्रेडिट से होगा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैंने फिलहाल इतना लिख दिया। तो चलिए आज हम पहली एंट्री से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली एंट्री में ये लिखा हुआ है कि आपने जो है 16,000 रुपये आपने डिपॉजिट करा दिए, ठीक है, आपने जो है चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में 16,000 का, लेकिन उस चेक में से जो है 4,600 क्लियर हो गए। और वो कब क्लियर हो रहे हैं, वो आपके क्लियर हो रहे हैं अप्रैल में, ठीक है। तो गाइस आपने क्या करा, इसमें कैशबुक का नाम कहीं पर नहीं है, तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ ये जो एंट्री है पहले वाली, ये BRS में जाएगी या कैशबुक में जाएगी, इसमें कहीं भी कैशबुक नहीं है, कहाँ पर जाएगी, शाबाश, ये गाइस आपकी BRS में जाएगी। हम बात कर लेते हैं कि ये प्लस में जाएगी या माइनस में। देखो गाइस हमने जो है चेक डिपॉजिट करा दिया, तो हमने क्या करा हुआ, कैशबुक में हमने जो है 16,000 रुपये प्लस कर देंगे, लेकिन इस चेक में से क्या हुआ, जो 4,600 है, ठीक है, ये जो 4,600 है ये आपके क्लियर हुए हैं, कब क्लियर हुए हैं, ये हुआ गाइस आपके अप्रैल में। और आप जो है कैशबुक कब बना रहे हो, मार्च में, मार्च 15, यानी गाइस 16,000 में से जो आपने बैलेंस बढ़ा रखा था, इसमें से जो 4,600 है ये बढ़े तो है, लेकिन कब बढ़े हैं, ये आपके अप्रैल में बढ़े हैं, मार्च में तो नहीं बढ़े। तो आप क्या करोगे, आप इसको फिलहाल मार्च में क्या करोगे, आप फिलहाल इस मार्च में इसको लेस कर दोगे, क्योंकि आपने जो है ये प्लस कर रखे हैं, ये 16,600 इसमें 16,000 में प्लस है, तो लेकिन ये जो है क्लियर कब हो रहे, अप्रैल में, मार्च में नहीं क्लियर हो रहे, तो आपने जो बैलेंस बढ़ा रखा है इसको आप कम कर दोगे 4,600। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर वन, ये 4,600 आपका कहाँ से जाएंगे, ये 4,600 आपके माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड एंट्री की, सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है चेक वर इशू, चेक जो है आपने इशू कराया 7,500 का, 7,500 का आपने चेक इशू कराया, उसमें से गए जो 6,000 रुपये हैं वो प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए मार्च में वो पेमेंट के लिए तैयार होगी। तो मुझे बताओ ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, या एंट्री BRS में जाएगी या ये कैशबुक में जाएगी। तो वैसे इसमें कैशबुक कहीं पर भी नहीं है, तो एंट्री कहाँ पर जाएगी, शाबाश, ये एंट्री जो है आपकी BRS में जाएगी। अब हम बात करते हैं कितनी अमाउंट जाएगी, और प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। तो वैसे देखो हमने क्या करा, कैशबुक में हमने इशू कर दिया, अगर हमने इशू कर दिया तो हमें कैशबुक क्या करनी पड़ेगी, 7,500 से हमें जो है अपनी कैशबुक लेस करनी होगी। लेकिन इसमें से क्या हुआ, पेमेंट कितने की हुई, सिर्फ 6,000 रुपये की पेमेंट हुई मार्च में, तो बाकी कितने बचे, 1,500 रुपये की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और ये 1,500 रुपये किसमें इंक्लूड है, 7,500 में, और 7,500 में फिलहाल यहाँ पे क्या करके माइनस, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं प्लस कर दूँगा, क्योंकि इसकी पेमेंट के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं बता रखा है। तो वैसे आप यहाँ सेकंड नंबर लिखोगे और आप जो है यहाँ पे 1,500 रुपये लिख दोगे। आप जो है क्या कह रहे हो, नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे कि चेक जो है आप डिपॉजिट करते लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। दूसरे में आप लिख दोगे आपने जो चेक इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक वर्क इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। बात करते हैं हम तीसरी एंट्री की, तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि जो है मिस्टर जो संजीव है उन्होंने मार्च में एक जो है बिल क्लियर करवाया 10,000 रुपये का, लेकिन जो है जो कैशबुक में है, कैशबुक में जो है आपने 10,000 रुपये लिख दिए, ठीक है, आपके पास एक बिल है, आपने बैंक में जमा करवा दिया और आपने 10,000 रुपये अपनी कैशबुक में लिख दिए। उसके बाद गए बैंक ने कितने क्रेडिट करे हैं, बैंक ने सिर्फ 9,600 ही क्रेडिट करे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, BRS में जाएगी या कैशबुक में जाएगी, इसमें क्या है कैशबुक है और ये कैशबुक में जाएगी, शाबाश। बात करते हैं कितनी अमाउंट जाएगी, तो वैसे इसने क्या करा, कैशबुक में इसने 10,000 रुपये लिख दिए, लेकिन बैंक ने कितने डाले, बैंक ने सिर्फ 9,600 डाले, तो इसने इतने से प्लस कर रखा था, लेकिन इसने बैंक ने कितने कितना प्लस करा सिर्फ इतना, तो डिफरेंस इन दोनों में कितना है, 400 रुपये का। ये 400 रुपये कहाँ पे हैं, 10,000 में प्लस हो रहे हैं, तो अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, 400 रुपये ये मुझे माइनस करने होंगे, तभी तो वैसे इक्वल होगा बैलेंस मेरा। तो मैं इसको 400 रुपये को कहाँ पे लिख दूंगा, मैं 400 रुपये को वैसे यहाँ पे लिख दूंगा, और जो वैसे आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस आप यहाँ पे। तो वैसे फोर्थ एंट्री में आपको क्या दे रखा है, फोर्थ एंट्री में ये बोला गया है कि किसी कस्टमर ने 6,100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए, लेकिन वो जो है आपने कैशबुक में नहीं लिखे हैं, तो ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, कैशबुक में या BRS में, शाबाश, ये एंट्री आपकी कैशबुक में जाएगी। तो वैसे इसमें क्या रखा है कि 6,000 रुपये किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए, लेकिन हमने कैशबुक में नहीं लिखे, तो लिख देता हूँ किस साइड लिखूंगा, यह है प्लस की साइड, यह है माइनस की साइड, डालने हैं बैंक का बैलेंस बढ़ाया है, तो इससे मेरा कैश का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस भी बढ़ा होगा, तो ये डेबिट की साइड लिखा जाए। कितने अमाउंट है, 6,100 रुपये अमाउंट है, और किस नाम से आ जाएंगे, टू कस्टमर अकाउंट के नाम से। बात करेंगे फिफ्थ एंट्री की, फिफ्थ एंट्री में लिखा हुआ है कि जो बैंक कॉलम है, ठीक है, जो बैंक कॉलम है पेमेंट साइड, पेमेंट साइड का मतलब होगा यहाँ पे क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट लिख लेना आप यहाँ पे, कि क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक वाज अंडर कास्ट बाई 1,000। देखो वैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वैसे मैंने आपको उसमें अंडर कास्ट की और एक ओवर कास्ट की आपको जो है ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, देखो
कैशबुक है आपकी, ये आपकी क्या हो सकती है, ये आपकी अंडरकास्ट भी हो सकती है और ये आपकी ओवरकास्ट भी हो सकती है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अंडरकास्ट, क्या हो रही है, कैशबुक, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मैंने आपको बता दी क्या है, क्रेडिट, कैशबुक अंडरकास्ट हो रही है, क्रेडिट साइड यानी कि 1000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, 1000 रुपये आपके ये लेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एंट्री आपकी कहाँ पर जाएगी, BRS में जाएगी या कैशबुक में, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए। मैं तो सोच रहा आपको आप इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ये 1000 रुपये आप कहाँ पर लिखोगे, कैशबुक में लिखोगे, क्योंकि इसमें कैशबुक लिखा हुआ है, और किस साइड, माइनस क्रेडिट साइड आप जो है 1000 रुपये लिख दो, किस नाम से, बाय अंडरकास्टिंग के नाम से आप इसको लिख दोगे। बात करेंगे सिक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की जो है आपने पेमेंट करी है 2000 रुपये, और गाइस आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 8000 रुपये का, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, लेकिन गाइस इनकी कोई भी एंट्री आपने कैशबुक में नहीं करी, कोई बात नहीं अब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या गाइस 2000 रुपये जो है आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के दिए हैं, तो गाइस प्रीमियम दोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा कैशबुक में, कम होगा, तो 2000 रुपये तो आप यहाँ पे लिख दोगे, किस नाम से, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। और गाइस ये जो 8000 रुपये, ये 8000 रुपये आपको रिसीव हुए इंश्योरेंस क्लेम के, तो इससे जो है आपका बैलेंस बढ़ गया होगा कैशबुक का, तो गाइस आप यहाँ पे 8000 रुपये लिख दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। उसके बाद गाइस सेवंथ एंट्री की बात करें, सेवंथ एंट्री में लिखा हुआ है कि 3500 रुपये का चेक आपने इशू कराया किसको, मिस्टर एक्स को, लेकिन गाइस आप उसको जो है कैशबुक में लिखना भूल गए, तो कोई बात नहीं आप लिख देते हैं, आपने जो है इशू कराया, चेक इशू कराया, तो बैलेंस आपका क्या हो गया कम, अगर यहाँ पर रिसीव होता तो आप इसको प्लस करते, लेकिन ये जो है आपने इशू कराया, तो 3500 रुपये जो है आप यहाँ पे लिख दोगे, और बाय एक्स लिख दोगे, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, आपने जो चेक क्या कराया, चेक आपने इशू कराया, या ब्रैकेट में लिख दोगे। बात करें लास्ट एंट्री की, लास्ट एंट्री में लिखा होगा 2800 यानी 2800 रुपये जो है आपने इशू कराए, 2800 का एक चेक आपने इशू कराया मिस्टर वाई को, लेकिन गाइस ये आपने कैश कॉलम में लिख दिया, कैशबुक के कैश कॉलम में लिख दिया मिस्टेक से, तो अब आप मिस्टेक अपनी सही करोगे, और कहाँ पे लिखोगे इसको, आप बैंक कॉलम में लिख दोगे 2800 रुपये। और गाइस ये माइनस साइड क्यों है, क्योंकि आप जो है इशू कर रहे हो, आपका जो बैलेंस है वो कम हो रहा है भाई, और दोबारा फिर जो है आप लिख देना यहाँ पे चेक इशू। तो चलिए जल्दी से अब हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है सारी अपनी एंट्री कर ली है कंप्लीट, और जो हमारा कैशबुक है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, तो मेरे पास गाइस कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो इस साइड टोटल जो है आपका आएगा 18000 रुपये, और इस साइड टोटल आएगा आपका 1400 रुपये, ज़्यादा कौन से हैं, 18000 को हम दोनों साइड लिख देंगे। उसके बाद कमी की साइड है, कमी आपकी इस साइड, कितनी कमी है, आप क्या करोगे 18000 में से 14100 लेस कर दोगे, तो ये आपके आएंगे 3900 रुपये, ठीक है। और इसको हम किस नाम से लिखेंगे, इसको हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। तो कैशबुक हमारी क्या होगी कंप्लीट, बैलेंस सीडी भी आ गया, अब ये कहाँ पे जाएगा बताओ, ये अब आपका BRS में जाएगा, ये 3900 रुपये आपके BRS में जाएंगे। देखो भाई ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, इस साइड, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, माइनस के कॉलम में 3900। अगर ये माइनस के कॉलम में आया तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया था कैशबुक माइनस में आया तो क्या ले जाएगा, क्रेडिट। देखो ये आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है, बाकी तो आपके इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें सिर्फ दो ही एंट्री है, कोई बात नहीं, इसका भी हम टोटल कर देते हैं, तो भाई टोटल कर दो इसका भी। तो इधर तो आगे कितने, इधर तो 1500 आ गए, इधर तो कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और इधर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 8500, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस कैसे क्लोज होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है क्रेडिट, तो लास्ट में क्या आएगा डेबिट, यहाँ पे क्या है कैशबुक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लिख दो यहाँ पे पासबुक, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो PB, आप यहाँ कर दो फिर बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कितना बैलेंस आएगा वो तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, डिफरेंस देख लेते हैं हम इनका, 8500 में से 1500 लेस कर दो, 0000, और 8 में से एक गया कितने बचे, 7000 रुपये, तो 7000 रुपये की साइड आएंगे यहाँ पे, आएंगे यहाँ पे, अरे अभी तो बताया था क्या लिखा है पासबुक, क्या है पासबुक, क्या है डेबिट है क्रेडिट है, पासबुक डेबिट है, तो कहाँ पर आएगा 7000 रुपये आपके यहाँ पे आएंगे। तो लीजिए क्वेश्चन, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस क्लास के लिए अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जिस भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसकी पिक लेनी है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, हमारी टीम विद इन 24 आवर आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेगी। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह लेकर आता रहता हूँ, जो आपको आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो
फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एक और बात हमारा जो है इसी क्वेश्चन के साथ यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये जो हमारा चैप्टर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। वीडियो नंबर 45 में हमने अपना चैप्टर कम कर लिया है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर किसी कारणवश आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में चैप्टर BRS नहीं पढ़ा है तो बस आप MS क्लासेस पर आगे पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर BRS के बैंक रिकंसिलिएशन में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको चैप्टर BRS के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।